मित्रों, दोस्तों, रिकी चड्ढा आपके सामने फिर से उपस्थित है और एक जो टॉपिक आज लेकर आए हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांजिट, या इसे हम कहते हैं हिंदी में गोचर। गोचर क्या है? जब हम पैदा हुए थे, उस दिन आकाशगंगा में जो प्लैनेट जहां पर बैठे थे, जैसे हम मोबाइल पे एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस तरह से वो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में छप जाते हैं। लेकिन जैसे आप सबको पता है, आपके पैदा होने के बाद आप जब आगे बढ़ते हो, उसी तरह से प्लैनेट्स भी आगे बढ़ रहे हैं, वो वहीं पे रुके हुए तो थे नहीं। इसी को हम कहते हैं गोचर, यानी कि प्लैनेट का आगे बढ़ना। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि गोचर या ट्रांजिट को देखने के लिए हमें कहां से देखना चाहिए, क्या चंद्र राशि से देखना चाहिए या लग्न राशि से। मैं आपको यहां पे बता दूं कि हमें दोनों से देखना चाहिए। क्यों? चंद्रमा से जब हम देखते हैं तो हम अपने बारे में बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे विचारों का, हमारे दिमाग में की जो सोच है उसका, हमारे जो इमोशंस हैं उसके बारे में बताता है, हम किस तरह से फील करते हैं उसके बारे में बताता है, और हमारी जो दिनचर्या होती है रोज की, उसके बारे में ये बताता है। जबकि लग्न ये बताता है कि आप अंदर से कैसे फील कर रहे हो, वो तो चंद्रमा ने बता दिया, लेकिन लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, उसे देखने के लिए आपको लग्न से ग्रहों की जो चाल है उसको समझना होगा। आपको उदाहरण के तौर पे मान लो कि मैं किसी एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहता हूं, मेरे पास एक बहुत आलीशान बड़ी गाड़ी है। कोई बंगले के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब वो मुझे देखेगा तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाला है, इतनी बड़ी गाड़ी है, क्या नसीब है। लेकिन क्या वो जानता है कि अंदर घर में मेरे क्या चल रहा है, मेरे बीवी से, मेरे बच्चों से, मेरे से मुटमुटाव हो सकता है, मैं कर्जों में डूबा हो सकता हूँ, मैं गाड़ी में ज़रूर बैठा हूँ लेकिन मेरे पास दिमाग में किस तरह के टेंशन्स हैं, क्या आप जान सकते हो? नहीं, बाहर से आप खाली देखते हो कि मैं एक बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ या एक बड़े बंगले में रहता हूँ। उसी तरह से हमें लग्न को और चंद्रमा को समझना होगा, साथ में उसकी जोड़ कर करके उसका विश्लेषण करना होगा। तो चलते हैं, प्रस्तुत करता हूं मैं आपको अपने बोर्ड पे, और मैं बताता हूं, मैंने यहां पे लिखा है गोचर, ट्रांजिट को हम गोचर कहते हैं। कौन सा ग्रह राशि में कितने अवधि के लिए, कितने समय के लिए रहता है, पहले हम उसे जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना होगा गोचर को। सबसे पहले देख लीजिएगा, सूर्य एक महीना यानी कि 30 दिन किसी भी राशि में रहता है, चंद्रमा सवा दो यानी कि लगभग 54 आवर्स तक, घंटों तक रहता है, मंगल 45 दिन के लिए रहता है, बुध 21 दिनों के लिए, शुक्र 26 दिनों के लिए, गुरु 12.5 महीने या आप बोलो 18 महीने, 12.5 मंथ्स यानी कि लगभग 18 महीने वो उस जगह पे रहता है, और शनि देव 2.5 साल यानी कि 30 महीने किसी भी राशि में रहते हैं। यहां पे बता दूं आपको मैं कि जब हम लोग ढैया की बात करते हैं या 7.5 की बात करते हैं तो वहां पर ये 2.5 साल को ही गिनती में लिया जाता है, इसीलिए 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल मिला लो तो ये 7.5 साल बनते हैं, जिसको हम 7.5 कहते हैं। ये चंद्रमा से जब शनिदेव चंद्रमा से 12वीं राशि में, फिर 1ली राशि में और 2री राशि में रहते हैं आपकी चंद्र राशि से, इसी को हम कहते हैं 7.5। अब यहां पे देखिए, राहु और केतु लगभग 19 महीनों के लिए किसी भी एक राशि में भ्रमण करते हैं, रहते हैं, उनकी चाल उस घर में रहती है। अब यहां पर कुछ बातों का विचार किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप किसी कुंडली को देखते हो या उसका विश्लेषण करते हो तो सबसे पहले चंद्रमा से देखिए और साथ साथ में लग्न से भी देखिए कि वो कितनी दूरी पे है, लग्न से कितनी दूरी पे वो ग्रह चला गया है और चंद्रमा से कितनी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे विचारों के बारे में बात करता है, हमारे इमोशंस के बारे में बात करता है, हमारे फीलिंग्स की बात करता है। दोनों लग्न को और चंद्रमा का रिजल्ट एक साथ में मिलाकर के ही इसके रिजल्ट्स को देखा जाता है।
शनि शनि गुरु और राहु अथवा केतु सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्व के इसलिए है क्योंकि इनकी चाल बहुत स्लो है, तो धीमी चाल होने के वजह से इनका प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा पड़ता है और ज्यादा समय तक वो रहता है। नीचे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है जिसमें मैं आपको कुछ एक चार्ट बता रहा हूं, ये बताता है कि चंद्रमा से या फिर लग्न से जब कोई एक ग्रह आगे बढ़ता है तो वो लग्न से हो या चंद्रमा से हो, हर एक ग्रह किस तरह का फल देगा, शुभ फल देगा या फिर वो एक अशुभ फल देने जा रहा है। सूर्य चंद्रमा से या तो फिर लग्न से तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवें घर में अच्छा फल देगा, लेकिन एक दो चार पांच सात आठ नौ बारहवें घर में ये अच्छा फल नहीं देगा लग्न से और चंद्रमा से। चंद्रमा खुद अपने पोजीशन से पहले घर में तीसरे घर में छठे घर में सातवें घर में दसवें घर में ग्यारहवें घर में अच्छा फल देगा, लेकिन वो इन घरों में दो चार पांच आठ नौ और बारहवें घर में अच्छा फल नहीं देगा। मंगल तीसरे घर में छठे घर में दसवें घर में ग्यारहवें घर में फल अच्छा देगा और उसके अलावा जितने घर है उसमें फल वो अच्छा नहीं देगा। उसी तरह से गुरु दूसरे घर में पांचवें घर में सातवें घर में नौवें घर में ग्यारहवें घर में, आपको घर का मतलब होता है भाव, उन भावों में वो आपको अच्छा फल देगा, इसके अलावा जो भी भाव है उसमें घर उसमें फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। शनि देव मात्र तीसरे घर में छठे घर में और ग्यारहवें घर में ही आपको फल अच्छा देंगे, उसके अलावा जितने भी भाव है उसमें आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। बुध ज्यादातर दो चार छ आठ दस और ग्यारहवें घर के अंदर बुध अच्छे माने गए हैं, इसके अलावा पहले घर में तीसरे घर में पांचवें भाव सातवें भाव नौवें भाव बारहवें भाव में इन्हें अच्छा नहीं माना गया है। शुक्र लगभग सभी घर के सभी भावों में अच्छा फल देंगे सिवाय छठे भाव में सातवें भाव में और दसवें भाव में ये फल अच्छा नहीं देंगे। शनि की तरह ही आप देखोगे तो शनि सॉरी मंगल की तरह ही देखो पूरी तरह से तीसरे घर में राहु केतु छठे घर में दसवें घर में ग्यारहवें घर में अच्छा फल देंगे, तो अगर आपके राहु या केतु इन जगहों पे बैठे हैं तो फल आपको अच्छा मिलेगा। उसके अलावा जितने भी घर हैं उसमें राहु अथवा केतु आपको अच्छा फल नहीं देंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये जो गोचर पे जो मैंने अभी एक वीडियो बनाया है ये समाप्त नहीं हुआ, इसको कंटिन्यूएशन में मैं आपके समीप कुछ और बातें भी लेके आऊंगा जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ अपने दोस्तों के अपने कलीग के साथ इसे साझा कीजिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल का जो घंटी सी बनी हुई है उस पर आप क्लिक कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इसे लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच।